साथियों, कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुए तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटक के लिए, कर्नाटक को नंबर वन बनाने के लिए कर्नाटक का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। बंधुगणे, कांग्रेस इतिहास चिंतने बे नावत कूड़ा ना मरीबार चिंतने कांग्रेस इतिहास आतंक आतंकवादी तुष्टीकरण कांग्रेस इतिहास देहलिया बाटला हाउस एनकाउंटर आगे उग्रवादी सत्त संदर्भली कांग्रेस नायक कण्णीर हाकिद ना नोड़े सर्जिकल स्ट्राइक संदर्भलू कूड़ा कांग्रेस देश सेन समर्थने बदलो अवमान केसवे कर्नाटकू कूड़ा कांग्रेस आतंकवादी बेबल के निवंत केसवे कर्नाटक उग्र घटने नू कूड़ा कांग्रेस परवा नोड़े समृद्ध कर्नाटक वो कर्नाटक देश नंबर वन राज्य वे ना रीतियां उग्रवाद मट हाकुंतने आतंकवादी उग्रवादी आ जगह जगृतरो अंत भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण दमन केसवता है। जेडीएस कांग्रेस यू कूड़ा तुष्टीकरण राजनीतिया बेबल के निवंत ना नोड़ता है। साथियों, अक्सर कोई कंपनी बाजार में अपना कोई सामान लाती है तो साथ ही वो एक वारंटी भी देती है और कंपनी ये भी कहती है कि वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है।
मुझे याद है कि वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने वाले बाद 2012 में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 2012 में भी कांग्रेस ऐसी झूठी गारंटी लेकर गुजरात के लोगों को भ्रमित कर रही थी। कांग्रेस ने कार्डबोर्ड से मकान बनाए, मॉडल मकान, और लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो हम ऐसा मकान बना करके देंगे, और फिर वे फॉर्म भरवाते थे मकान के लिए, और पीछे से कुछ लोग फॉर्म के नाम पर गरीबों से 200-200, 500-500 रुपया भी मार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे। एक वो समय है और आज का समय है गुजरात में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से यही फर्जीवाड़ा कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। मैंने सुना है कर्नाटका में भी ये अपनी गारंटियों का फॉर्म भरवाने लगे हैं, और अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि झूठी गारंटी के फॉर्म को दिखाकर कांग्रेस कितनी रिश्वत ले रही है। बंधुगळे, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 2012 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾರಂಟಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ।